अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिरा रोहेलिया, है मेरा यूट्यूब चैनल। इसमें आपको मिलेगा मेरा लाइफस्टाइल, कुकिंग, ब्यूटी एंड फैशन टिप्स। इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे किचन में बनने लगा है रेस्टोरेंट स्टाइल का जिंगर बर्गर। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये चिकन चेस्ट पीसेज हमने ले लिए थे, इसको हम जो है वो पीसेज में डिवाइड कर लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हेल्दी होता है पीस। इसको ऊपर से कटिंग करना शुरू करेंगे और नीचे से इसके दो हिस्से बन जाएंगे। इसको कटिंग के बाद जो है वो हमने प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। ये हैमर प्रेसिंग वाली मिल जाती है, आप ले लें और इसको फ्रंट एंड बैक दोनों से अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे मैरिनेशन जो है वो अच्छी तरह से पीसेज में एब्जॉर्ब हो जाती है। हमने ये पानी में 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका डाला है और 1 टीस्पून जो है हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और ये चिल्ड कोल्ड वाटर है, ठीक है, इसमें इसको मैरिनेट करके डिप करके हमने जो है वो पीसेस को रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। तमाम पीसेस को हम पानी में डाल देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद जो चिकन है उनके पीसेस की ये कंडीशन हो जाएगी, इस तरह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं और इसके मैरिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून हमने जो है वो केचप ले लिया है, ठीक है, और 1 टेबलस्पून हम इसमें वाइट विनेगर ऐड करेंगे। ये जो है ये जिंजर गार्लिक का मैंने पाउडर 1 टीस्पून लिया था और 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड, ये चिकन पाउडर है, चिकन पाउडर ऐड किया था। रेड चिल्ली पेपर है, सॉल्ट है, पेपरिका है और इसमें ओरिगैनो है, ये तमाम 1 टीस्पून जाएंगे इसके अंदर। इसको इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इन तमाम पीसेस को हम इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट कर देंगे। ये मैरिनेटेड जो जो आपके चिकन पीसेस होंगे इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। ये चिकन पीसेस मैरिनेशन के 15 मिनट के बाद रेडी हैं। अब हम इसका मटेरियल तैयार कर लेते हैं मैदे के साथ। मैदा मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 कप लिया था, ठीक है। इस मैदे में भी हम जो है वो सॉल्ट और रेड पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून और ये 1 टीस्पून हम मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन पीसेस को हम अच्छी तरह से मैदे में प्रेस कर कर के जो है इसको लगाएंगे मैदे को, और इस मैदे को हमने कोल्ड वाटर में, सामने बाउल में आपको कोल्ड वाटर नज़र आ रहा होगा, ये चिल्ड कोल्ड वाटर है, इसमें एक दफ़ा इसको डिप करेंगे और फिर इसको निकाल के दोबारा से मैदे में ले आएंगे। मैदे में इसको अच्छी तरह से आपने 5-7 दफ़ा प्रेस करके लगाना है ताकि ये इसका इस तरह से टेक्सचर हो जाए। जब ये टेक्सचर हो जाएगा तो इसको हम फुल हीटेड ऑयल में जो है वो फ्राई करेंगे। ये देखें, इसको तब तक आपने नहीं पलटना जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखें ये कितना खूबसूरत रेडी हो गया पीस, कंप्लीट अंदर से भी कुक हो चुका है। अब हम इसका जो है वो बर्गर बना लेते हैं। बहुत ही आसान है बनाना, घर में ये बर्गर बंस मिल जाते हैं, आप डॉन ब्रेड के ले लें, अगर किसी और अच्छी कंपनी के मिलते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। इस पे हम जो है वो मेयोनीज लगा लेंगे, जितनी आपको अच्छी लगती है आप ऐड कर सकते हैं इस पे। अगर आपके पास लेटस है तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास लेटस नहीं था, मैंने इस पे कैबेज ही लगा लिया था, ठीक है। लेटस मिल जाती है, सीजनल होती है लेकिन स्टोर्ड भी मिल जाती है आपको। इस पे हम ये पीस लगाएंगे और पीस के ऊपर भी हम मेयो ऐड कर देंगे। अगर कोई केचप भी लगाना चाहता है तो वो अंदर ऐड कर सकता है इसके, केचप मैंने नहीं ऐड किया था, आप इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब ये कैबेज मैंने थोड़ी सी जो है वो क्रश करके कट करके भी रखी हुई थी, आप इस पे ये लगाएं। ये देखें इसके अब जो है फ्रंट पे जो ऊपर इसके पीस आता है बन का, वो उस हिस्से पर भी आप लगा लें मेयोनीज। इस तरह से कंप्लीट हमारा जो बर्गर है जिंगर वो तैयार हो चुका है। इसको आप घर पे बनाइए, अपने गेस्ट को, बच्चों को खिलाइए, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।